Shri Shyam Sen. This video is for the student of Standard 7. In the last video, I had taught you lesson 2 of Unit 1. Yani Unit 1 ka maine dusra lesson aapko padhaya. First hai Pirate Story, jo main aapko padha chuka hu. Dusra tha Adventure of Mess. Ye chapter aapka complete ho chuka hai. Aur yahan word game bhi last mein de rakha hai English to English. Aap ise bhi yaad kar lenge. फिर भी मैंने आपको इंग्लिश टू हिंदी वर्ड लिख दिया है, जैसे वर्ड से जो जो मेन वर्ड है मैं उसे नोट कर चुका हूँ. बोर्ड पे देखिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें. सबसे पहला वर्ड है एडवेंचर. इसकी ए डी टी एन टी यू आई आपको स्पेलिंग भी याद रखना है. इसका मीन्स क्या होता है, कोई काम करना हिम्मत के साथ, साहस के साथ. इंसिडेंट आई एन सी आर टी आर आई एन सी आर टी ई एन टी एस मीन्स घटना. कोई जो घटना हो जाता है उसको कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट. सडनली एस यू डबल टी ई एन एल वाई मीन्स अचानक. चौथा है ब्लाइंड फोल्डेड पी एल आई एन डी एफ ओ एल टी ई डी ब्लाइंड फोल्डेड आंख पर पट्टी बांधना. जैसे आपको किसी जगह ले जाया जाता है वहां पर ले जाने का मकसद यह होता है ताकि आपको वो जगह देखा ना रहे. कंडीशन सी ओ एन टी आई टी आई ओ एन मीन्स परिस्थिति. कंडीशन इज परिस्थिति. एस चेंजर एस टी आर ए एन जी ई आर अजनबी या अन्य जिसको हम लोग कामयाब नहीं जानते जो आपके यहाँ दूर पड़ सकता है. एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ई एस पी ई सी टी उम्मीद करना आशा करना. एक्सपेक्टेबल एस पी ई सी टी ए सी एल ई एक्सपेक्टिकल चश्मा सी ए आर आई टी गैरेंटी लाया है वो या कोई सामान आपको होता है तो नीचे लाता है जिसको हम इसमें गैरी कहते हैं गैरी से गैरी. फोर्ट नाइट जैसे 15 दिन पे कोई काम होता है उसे आप कहते हैं उसने फोर्ट नाइट ही काम किया. उसे कहते हैं अर्धमासिक आधी महीने में काम करना. डिपार्टेड मतलब किसी जगह से निकल जाना उसको हम इसमें कहते हैं डिपार्टेड डी ई पी ए आर टी ई डी डिपार्टेड बड़ा स्थान किया किसी एक जगह से दूसरी जगह में निकल पड़ना. डेयर टी ए आर ई डेयर डेयर में होता है हिम्मत करना या हिम्मत. ब्रीथ उसको ब्रीथ नहीं पड़ी ब्रीथ पड़ी ना पड़ी ब्रीथ पी ई एन ई एच ब्रीथ इसके बीच. एंग्जायटी ए एन एक्स आई ओ यू एस एंग्जायटी परेशान या चिंतित. लास्ट है पॉसिबल पी ओ डबल एस आई पी एल ई पॉसिबल मींस संभव. दिस वर्ड मीनिंग इज वेरी यूजफुल फॉर यू. आप क्या करना है ये सारे वर्ड मीनिंग को याद कर लेना है क्योंकि आप जब आपका स्कूल ओपन होगा जब आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट में मैं वर्ड मीनिंग भी पूछ सकता हूँ. थैंक यू.